अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेटियों के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। फारिस कहता है कि दानिश भाई, आप इस हद तक भी गिर सकते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। फिजा भाभी ने आखिर क्या कमी छोड़ दी आपकी खिदमत करने में, फिर भी आपका रवैया उनके साथ इतना बुरा है। दानिश कहता है कि देखो, मेरा रवैया ठीक ही था, लेकिन जब से मुझे इस हकीकत का पता चला है कि नगमा और साथ के बाबा का पहले से रिलेशन था, तो जैसे एक नेगेटिविटी सी दिल में पैदा हो गई है। फारिस कहता है, खैर मुझे एक बात बताएं, वो तो नगमा का और साथ के अब्बू का पास्ट था जो गुजर चुका है, लेकिन उनकी वजह से आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि साथ के बाबा कैसे हैं, आपको क्या लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं? वो दो नंबर के फ्लर्टी इंसान हैं और साथ तो उनकी बातों में आके अपना घर भी ख़राब करने को है। नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे। नगमा कहती है कि तुम दोनों बहनें मेरे भाई की जान छोड़ दो, इतनी मुश्किल से तो तुम लोगों की शादियां की थी, फिर तलाक ले लेके घर में आकर बैठ गई हो। आयजा और फिजा पुप्पो की तरफ गौर से देखती हैं और कहती हैं कि पुप्पो जान, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, आप जानती हैं ना कि हमारी तो यही कोशिश थी कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ, लेकिन मुश्किल ने तो हमारे सामने ढीठी मान ली है। नगमा कहती है, तुम दोनों के लिए यही बेहतर है कि अपने घर लौट जाओ, और तुम्हारे शोर तुम्हें जिस हाल में भी रखे तुम्हें उसी हाल में रहना होगा। ज़रा ये तो सोचो कि तुम दोनों की शादी के बाद अभी अनम की हुई है और अब देखो हानिया और कोमल भी तो बाकी हैं, अगर तुम लोगों की यही सूरत हाल रही तो बाकी बच्चियों की शादी कैसे होगी? तो ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।